मॉर्निंग गाइस, अभी हम अपने मेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं, नारियल पानी ऑर्डर किया वो आ जाएगा, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देन थोड़ी देर काम करके वी गो टू ऑफिस। अब बनाते हैं अपना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। जनरली फ्रूट्स खा लेता हूँ ना, सो आई यूज ग्रीक योगर्ट, एक मिल्की मिस्ट की आती है, उसमें 11 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम का, उससे प्रोटीन कंटेंट और इंक्रीज हो जाता है। एंड सुबह ही मतलब 40-50 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट, मस्त। जल्दी बनाते हैं। स्पून चिया सीड्स डाल देंगे, थोड़े से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें गर्म पानी डालते हैं, अब इसको थोड़ी देर रेस्ट होने देते हैं। जनरली ज़्यादा टाइम के लिए करना पड़ता है, बट गर्म पानी में जल्दी हो जाता है। ये है वो जो इसकी मैं बात कर रहा था, मतलब हाई प्रोटीन लो फैट, एंड अभी पता नहीं सेल पे हमेशा 30 की मिल जाती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इसका प्रोटीन कंटेंट देख सकते हो, 11 ग्राम्स 100 ग्राम्स में। जब तक ये हो रहा है फ्रूट्स कट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। इसके बाद एक स्कूप डाल दो अपना फेवरेट प्रोटीन, कोई भी डाल दो, इसमें फ्रूट्स डाल के सही लगता है। बस ब्रेकफास्ट कर लेता है, साथ साथ आज जो मैं 2 DSA क्वेश्चंस करने पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप शाम को आकर आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ताकि कल जब भी फ्री टाइम मिले गाड़ी में बैठ कर थोड़ा आना सोचते रहें, एंड ब्रेकफास्ट करते हैं वहाँ के ऑफिस में। तो इसमें मस्त प्रोटीन मिल जाता है, अराउंड 35-40 ग्राम प्रोटीन मिल गया हमें, बहुत सारा फाइबर मिल गया, बिकॉज इसके अंदर चिया सीड्स हैं, फ्रूट्स भी हैं, एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह से एसेंशियल लाइक पैड्स भी मिल गए, तो मस्त मील है, कर सकते हैं यूज़ आराम से। फिर 100 ग्राम प्रोटीन अ डे वाला टारगेट हिट करने में बहुत आराम मिल जाता है, टेस्ट भी सही होता है। तो करते हैं काम, पहला क्वेश्चन डन, क्योंकि पहले किए हुए हैं सारे DSA क्वेश्चन, तो देख के समझ आ गया क्या करना है। दूसरा करते हैं, दूसरा थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, ऑफिस चलते हैं। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस मॉनिटर फॉर मोर देन अ मंथ नाउ, एंड दिस मॉनिटर इज रियली गुड, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी है, बिल्ट इन कोडिंग मोड है इसके साथ, जो इसके स्पीकर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं, उसकी ब्राइटनेस है वो भी बहुत ज़्यादा मस्त है, जो मैट फिनिश है उसकी वजह से सब कुछ बहुत सही हो जाता है, एंटी ग्लेयर रहता है। एंड यार USB-C से कनेक्ट हो जाता है, फालतू केबल्स का झंझट ही नहीं रहता, एंड इसके साथ साथ 65W पावर डिलीवरी है, सो चार्जर की भी टेंशन नहीं, एक ही केबल से सारे काम हो जाते हैं। द ब्लू लाइट फिल्टर एंड आई केयर टेक्नोलॉजी हेल्प्स मी कोड एट नाइट, एंड कोडिंग मोड की वजह से एवरी कलर पॉप्स आउट फॉर इजी रीडेबिलिटी विद ऑप्टिमाइज्ड कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन ऑफ डार्क मोड। एंड एज इट्स अ कोडिंग मॉनिटर, तो वर्टिकली भी हो जाता है एंड हॉरिजॉन्टली भी रहता है, सो जैसे आपको कोड करना पसंद है वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड जनरली जब ज्यादा कोड पढ़ना होता है तो उसको वर्टिकली करके पढ़ना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। चलो अभी वाला मॉनिटर रात को आगे यूज करेंगे, अभी चलते हैं ऑफिस, बैग पैक करते हैं, लेट्स गो। और जो रखे हुए बैग में लैपटॉप रख लेते हैं, आईपैड रख लेते हैं, कुछ अगर जरूरत पड़ जाए, आईडी कार्ड चाहिए, सो वी आर रेडी, लेट्स गो। थोड़ा लेट निकल के ये फायदा होता है कि अभी बिल्कुल जाम नहीं मिलेगा, 10-12-15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अगर मैं जाम के टाइम निकलूंगा तो इट टेक्स मोर देन 45-50 मिनट्स, फालतू में जाम में भी खड़ा होना है। चलते हैं जल्दी से ऑफिस। वी रीच्ड ऑफिस इन 10-12 मिनट्स, एंड अगर पीक टाइम पे जाओगे तो 1-1.5 घंटा भी लग सकता है, सो इट्स ऑलवेज बेटर थोड़ा ऑफ टाइम पे जाओ, सुबह काम कर लो घर से अगर बैंगलोर में हो तो, एंड जल्दी निकल जाओ ऑफिस से, अगर 5-6 बजे निकलोगे तो फिर फंस जाओगे। सो लेट्स गो नाउ। तो हमने थोड़ा बहुत काम किया, अभी हम चलते हैं लंच करने, इट्स 1, एंड फिर मीटिंग्स एंड टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है। ऑफिस में आके दिक्कत ही होती है, खाऊं क्या, सैलेड ही खा पाऊंगा और कुछ तो फिर थोड़ा ज़्यादा अनहेल्दी होता है, सो लेट्स ईट सैलेड। खाना खा के मस्त नींद आती है, बट काम भी तो करना, सो बस लंच कर लिया है, थोड़ी देर चिल करते हैं फिर काम कर। तो आज है थोड़ा सा टायरिंग डे था, अभी लीविंग ऑफिस, बाहर ईशान अंसारांश आई थिंक वेट कर रहे हैं दोनों, मिलते हैं उनसे, काफ़ी दिन हो गए हैं, बात बात करते हैं, एंड या लेट्स गो होम, उसके बाद फिर वर्कआउट भी करना है एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। हाय मिस्टर ईशान। हेलो जी। हाय सारांश। हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया, बस चल रही जिंदगी। कहाँ गई, कैसे, क्या मीटिंग करते रहते हो भाई तुम? हम लोग ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग में जाके बड़े बड़े क्लाइंट क्लोज करते रहते हैं बैंगलोर में।
क्लोज करके आया हमने अगले कंग्रेचुलेशन स्ले कर दिया हमने आज क्या खा रहा है ये तो आपने मंगाया है ये गलत बात है ये वो दोस्त नहीं सब मैं ये तो कहूंगा आप हमको देखो फाइनली शान से मिले काफी ज्यादा मजा आया एंड इट वाज फन नाउ वी विल हैव अ डिनर डिनर करने के बाद हम जाएंगे जिम एंड इसके बाद क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके सोएंगे सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इवन नाउ डिनर कर लो गाइस छोले चावल जल्दी से क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर लेते हैं देन वी विल गो फॉर अ वॉक बिकॉज 10 बज चुके हैं और हम जिम नहीं जा सकते हैं आज के लिए जिम तो क्लोज हो गया है बट वी हैव टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी तो अभी हम प्रशांत से मिलने जाएंगे एंड फिर वॉक पे जाएंगे एंड कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे Amazon employee versus non-Amazon employee